थोड़ा आते आते, खैर देर आए दुरुस्त आए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के सबसे चर्चित रेप केस मामले की, निर्भया, जिसको आज 7 साल हो गए। जिस फैसले को 7 दिन या 7 महीने में आ जाना चाहिए था, उस फैसले को आने में 7 साल लग गए। खैर 22 तारीख को ठीक सुबह 7 बजे उन चारों आरोपियों को फांसी दे दी जाएगी। न्यायालय ने उनको फांसी देने की सजा मुकर्रर कर दी गई है। इस पर और अधिक बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरदोई नगर पालिका अध्यक्ष सुखसागर मिश्रा जी। उनसे जानेंगे कि इस फैसले पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, जो निर्णय आना चाहिए था सब उसमें समय जरूर लगा न्यायालय का, लेकिन जो भी निर्णय आया है वो बिल्कुल सही आया है, उचित आया है। इस तरीके के जो कांड होते हैं हमारे देश के अंदर, उस पर अगर त्वरित निर्णय अगर न्यायालय द्वारा कर दिया जाए तो देश में जो समाज के अंदर जो भयावह स्थिति जो उत्पन्न हो जाती है उस माहौल को लेकर के, उसमें जनता को बहुत राहत मिलेगी। लेकिन जो निर्णय आया है देर से आया है, लेकिन दुरुस्त आया है और मैं इस निर्णय की सराहना करता हूँ। हम जानना चाहेंगे आपसे कि देश की बेटियों जो कि अभी तक इस असमंजस में थी, क्या निर्भया में जो आरोपी थे उनको सजा मिलेगी भी या नहीं, उनके लिए आपकी क्या राय है? देखिए, न्यायालय के निर्णय देर तो हो सकते हैं, लेकिन जो निर्णय आया है वो बिल्कुल सही आया है और सपोर्ट समय जरूर लगा है। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ समझता हूँ, जैसा कि न्यूज चैनलों के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती रहती है, समाचार पत्रों के माध्यम से, हमारे देश की कानून व्यवस्था, हमारे जिले, हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त है। और मैं बेटियों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि इस माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, माननीय योगी जी के कार्यकाल में इस तरीके की जो भी प्रकरण आएंगे उसका त्वरित निराकरण कारण है काम सरकार करेगी। जैसा कि चेयरमैन साहब ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इन फैसलों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ जुड़े रहिए लाइट ऑफ नेशन न्यूज के साथ। अमन नागर के साथ प्रखर वातम की खास रिपोर्ट। Thank you.